कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। सुना है कि लो जी तो जनाब चलते चलते कार मिल गई। तो जनाब ये फेस्टिवल कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि यहाँ पे इस फेस्टिवल के लिए पूरा का पूरा एक विलेज बना दिया गया है। यहाँ पे हर जगह पे आपको गार्ड्स मिलेंगे। इस चीज़ से पता चलता है कि यहाँ पे ये फेस्टिवल कितना बड़ा है और किस लेवल पे। यहाँ पे वाला जो विलेज है इसको बोला जाता है नागा हेरिटेज विलेज। यहाँ पे पूरा पूरा रश रहेगा, पूरा भर जाएगा यार। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, पूरा का पूरा फेस्टिवल तो रहता है यार। तो अभी कुछ और देखते हैं यार, अभी क्या है कि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ये फॉरेनर्स हैं। आई डोंट नो वेयर आर यू फ्रॉम। तो ये सब यहाँ पे बाहर से आते हैं लोग, जितना भी रहता है। यहाँ पे पवेलियन है, मतलब शॉप्स हैं, जितनी भी आपको कुछ भी लेना है यहाँ का, नागा का जितना भी कुछ लेना है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या प्राइस है, किसको क्या बोलते हैं। तो ऐसा कुछ एंट्री है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुछ देखने के लिए। ये देखो नागमीज ट्रेडिशनल जितनी भी ड्रेसअप रहती है, ये अभी रेडी हो रहा है सब कुछ। ये देखो यहाँ का, तो बाद में कुछ लेंगे, अभी एक बार सिर्फ देख लेते हैं। जितना भी ट्रेडिशनल कल्चर है इनका, वीरिंग है, ये सब कुछ है, जैसे हम जैकेट पहनते हैं तो वैसा है कुछ है यहाँ पे। ये देखो बहुत खूबसूरत रहता है यार, ठीक है। तो बाइन यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको यार, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पे। ये देखो लेडीज़ के लिए जितना भी आपको चाहिए वो सब यहाँ से मिलेगा। तो ये आ रहे हैं मंकी ट्रैवलर, पकड़ लिया। नमस्कार भाई, क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते, हेलो, हाय हाय, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। अखीर में आके पकड़ लिया भाई हमने, तो चलते फिरते मुलाकात हुई। चलो दोबारा फिर मिलेंगे, उम्मीद है आप अपना एंजॉय करो। तो ये मैं अपना ड्रोन उड़ा रहा हूँ यार, देखते हैं ड्रोन शॉट कैसे आएंगे, मे भी अच्छे ही आएंगे। तो उस साइड चलते हैं और देखते हैं। तो इन्होंने ये उद्घाटन किया था, उनका सबका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ गया विंडो टू नागालैंड, मतलब नागालैंड में आपका वेलकम है। तो ये थोड़े टाइम के बाद ये पूरा फुल हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो इनका साइन यार, जो कितना ब्यूटीफुल है यार। देखो वेदर की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल है, लोग भी बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। तो लास्ट टाइम जो हमने कैंपिंग की थी, ये वाला जो आपको टावर दिख रहा है इसके पीछे की थी, तो अब हमने नीचे की है, लास्ट टाइम ऊपर की थी। तो आपको जितने भी ये छोटे छोटे ये घर दिख रहे हैं, बेसिकली ये पूरे के पूरे बैम्बू के साथ बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि नॉर्मल है या VVIP है, तो सब इसी के नीचे बैठेंगे, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके ये सारे के सारे हैं। तो पीछे इनके क्या है कि छोटे छोटे घर बने हुए हैं, जो हर ट्राइब ने अपना अपना एक घर बनाया हुआ है। तो अभी उन्हीं को देखने के लिए हम चलते हैं यार। तो आप जिस साइड भी देखोगे आपको ऐसे ही बैम्बू के बनी हुई हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे, जितने भी मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस चलता है, जैसे ये वाला जो आप घर देख रहे हो, ठीक है, ये एक ट्राइब का घर है, कल्चरल ट्राइब, जिसे पुराने टाइम में कैसे रहा करते थे। तो अभी देखते हैं ये कौन सी ट्राइब है, पोचुरी ट्राइब। तो ऐसा करके इनका कुछ साइन रहता है, ठीक है। तो ये इस ट्राइब का नाम आ गया। तो अंदर से इनका ड्रेसअप हो गया कि जैसे हमारे शॉल वगैरह लेते हैं, तो पूरा इनका ड्रेसअप रहता है। ये देखो ऐसे करके इनका कल्चरल है। अभी भी देखो यार, मतलब इनको ना खुशी होती है कि हम अपना कल्चर किसी को दिखा रहे हैं। ये देखो इनके जो पुराने गाउन्स हैं, देखो ये जो मैंने पहन रखा है कड़ा, तो पता नहीं इसका अलग अलग नाम है बेसिकली यार। तो नाम रहेगा तो वो देखेंगे अभी क्या क्या नाम है इनका, ये बताएंगे। हाय सर, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसा है आप? अच्छा, तो प्लीज एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थिंग, व्हाट इज, स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज
we call it a bow, na? Okay. For boys to hunt down. Hunting. For hunting. For hunting, yeah. This is tau, and then these are for spears for boys to use in traditional attires, na? Okay, okay. For hunting. This is everything for hunting. Yeah. Okay, done. And what is this? This one. What do you call to this? This is a headgear. हैट फॉर हैट तो ये सिर पे पहनते हैं तो हैट है ये भी हैट है दोनों ठीक है और व्हाट यू कॉल टू दिस वन वी कॉल इट वेल वी हैव अ सेलिब्रेशन वी यूज्ड टू वेयर दिस ट्रेडिशन ओके ओके इट्स लाइक अ मफलर टाइप ओके तो जैसे मफलर होता है जब इनका कोई फेस्टिवल रहता है या ओकेजनली तो ये अपना मफलर की तरह पहनते हैं लड़का लोग का है ओके लड़कों के लिए है बेसिकली ये ठीक है ये तो नेकलेस ले लोग तो लड़की लोग के है जो ये लेडीज का जो जितना भी ट्रेडिशन रहता है लेडीज का है ये पूरा का पूरा ये लेडीज पहनते हैं ठीक है दिस आर मेड ऑफ बैम्बूस बैम्बू के साथ बने हुए सर ट्रे एंड देन दिस इज मेड ऑफ केन व्हाट केन केन ओके दिस वी कॉल इट ट्रे एंड देन मिनी टाइम टेम्पल ओके पता होगा ये तो लाओ हां मतलब पानी के लिए और दारू के लिए यूज किया जाता है राइस बियर ठीक है तो यहाँ पे आपकी ट्राइब का अलग से बियर है या सब राइस बियर ही है एक ही है सबका नहीं एक ही राइस बियर अलग अलग टाइप है ठीक है ओके तो आपकी भी बियर हम टेस्ट करेंगे बाद में तो ये कुछ रहता है इनका ऐसे सब कुछ रहता है ठीक है और ड्रेस अप शॉल्स एंड देन मेखलास ओके ओके आर फॉर फाइव्स एस यूज दिस थिंग्स मैन ओके तो ये क्या रहता है कि शॉल वगैरह रहते हैं ठंडी में लेने के लिए यहां पे तो मोस्टली लड़का लोग कभी सब हां मिक्स है यहां पे ये लड़का लोग का ही ओके तो ये जितना भी आप ऊपर वाला देख रहे हो सारा लड़कों के लिए नीचे वाला देख रहे हो लड़कियों के लिए ओके तो ठीक है और इस साइड ये इट्स अ बास्केट ये बास्केट होते हैं जैसे जैसे जंगल में चले गए तो कुछ मतलब लाने के लिए पीछे टांग लेते हैं छांटने के लिए जैसे छज बोलते हैं पंजाबी में तो हमारे ओके और ये वैसे बास्केट आ गई जैसे सिर्फ ये राइस कॉर्न राइस व्हेन पेडीफील वी व्हेन एट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग वी यूज्ड टू ओके हार्वेस्टिंग करने जब खेतीबाड़ी करते तब यूज करते मिलेट दिस इज फॉर ईटिंग या ऑफ कोर्स ईटिंग बट फॉर दिस इज फॉर जस्ट डिस्प्ले ना फॉर गेट ऑफ डिस्प्ले and this also we used to make bajra hum bajra kehte hain isko okay okay done theek hai तो यहाँ पे आग जलाई जाती है सब लोग ऐसे बैठे होते हैं तो अभी जो ट्राइब मैंने आपको दिखाई तो उसके बाद अभी ट्राइब है चकेसंग ट्राइब तो इसके अंदर से दिखने में ऐसी रहती है बहुत ब्यूटीफुल रहती है यार ये कंटेनर जितना भी आपको मिलेगा सारा का सारा आपको बैम्बूज के साथ बना हुआ मिलेगा तो हाय गुड मॉर्निंग योर नाइस नेम इज My name is Patha. My name is Ram, basically. Okay. Nice so will you explain me each and everything? What you call to that one? What is this? This is khaddi. Khabbi. Khaddi. Khaddi. Yeah. Okay. It's for carrying, for ladies for carrying things. Things. Like okay. Okay. When okay. we got to bed, if it's like a basket. Yeah, it's a basket. Basket. Okay. Okay. And this even this is for carrying grains. Grains. Yeah. Okay. Rice grain. ओके जैसे कोई फसल लेके आनी है तो ड्यूरिंग हार्वेस्ट ओके ओके सो एंड दिस इज फॉर स्टोरिंग ग्रेन ओके राइस जैसे जैसे हमारे ड्रम होते हैं काइंड ऑफ ड्रम तो ये की दिस इज की की या ओके इसको की कहते हैं बेसिकली यार ठीक है और ये मेसी है ओके ये फरवा है ओके ये फावड़ा होता है जो वो करने के लिए हम हमारा भाषा में ये किद्दी बोलता है किद्दी 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 बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में जो बोला जाता है इसको फॉर स्पिनिंग कॉटन थिंग्स दिस आर सी This is for doing the like hunting करने के लिए नहीं hunting नहीं नहीं हाँ हाँ कुत्तों के लिए छेद बनाने के लिए ओके ओके तो मतलब कुत्तों को डराने के लिए basically ठीक है ओके ये spinning के लिए ना कुत्तों का जे काटने के लिए मतलब रुई काटने के लिए ठीक है तो चरखा जैसे होता है हमारे पंजाबी में इसको बोलते हैं चरखा ठीक है अब उसको ऐसे हिटते हैं ओके और इस साइड से अगर हम देखें तो ये This is basket made up of bamboo. Bamboo की सर what you call in your language? Mirha. Mirha. Okay. तो इसको mirha बोला जाता है इनकी language में. ये thikra है. Thikra. Chopping board है ये. Chopping board है. तो भाई ये मुझे सबसे चीज अच्छी लगी देखो यार chopping board है देखो. ठीक है done done. And this one also chopping board. ये छोटा size है जो बड़ा size है. और ये भी ये Okay. तो यहाँ पे हमेशा आग जलती रहेगी
तो व्हाट यू कॉल टू दैट होल सावो तो इसको सावो बोला जाता है ठीक है सावो तो थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है ठीक है तो बाकी यार नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना जैसे स्पेशली नागालैंड के लोगों की मैं बात करूं तो बहुत काइंडफुल है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट में जरूर आओ यार मस्ट विजिट करो आप इनके ठीक है व्हाट यू कॉल टू दैट वन दिस वन दिस द सेम थिंग इज दिस वन ओके तो ये सेम ही है जैसे ये रहता है रेनकोट ओके तो रेनकोट है भाई ये ओके तो ये आपकी पूरी इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है ये वाली जो ट्राइब है ठीक है तो हाय व्हाट योर नेम माय नेम इज मुतुवे ओके तो व्हाट यू कॉल टू योर हैंड दिस कॉल इज पिपे इन लोकल डायलेक्ट पिपे ओके नाइस और दिस कॉल टिला ओके तो इसको टिला बोला जाता है उसको पिपे बोला जाता है ओके और इसको तिफरा तिखा तिहा तिल्हा आ ठीक है थोड़ा सा आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना यार ठीक है ओके तो व्हाट इज दिस जिसको छुना छुना ओके इसको छुना कहा जाता है बॉयज मोस्ट ऑफ द मेन फ्रॉम चगसन ट्राइब ना ओके वेयर दिस वन पेनिस पसंद है इसको नीचे जो पहनते जैसे हम ट्राउजर पहन लेते तो ऐसे ये पहनते हैं व्हाट यू कॉल दिस पैटर्न इज कॉल्ड डुवले दो मेड अप ऑफ शेल्स मेरा फॉर शेल्स या शेल्स का है शेल्स का बना हुआ है ओके देखिए बहुत ही टिस्सू वी कॉल टिस्सू टिस्सने या टिस्सू दिस कॉल इज पेपा पेपा तो इसको पेपा बोला जाता है यार ये भी हैंडमेड है ये सारा कुछ हैंडमेड है यार सब हैंडमेड है जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सारा हैंडमेड है तो यहाँ पे खास बात ये भी मैंने देखी है कि ये जो बहुत पुराने पुराने जैसे ये बुजुर्ग होते हैं तो वो उन्होंने जो हंट किया था मिथुन का तो मिथुन का यहाँ पे मतलब हेड है वो सिर है उसकी हड्डी जो होती है ना अंदर से वो जो हर ट्राइब में आपको मिलेगी और ये चिकन का ब्रेस चिकन का जो मतलब मुर्गा होता है उसका ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट नहीं वो दर में कुछ रीढ़ की हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी होती है जो बैकबोन जिसको बोल देते हैं ओके जो दाम मुझे होला ही ले तो ये जो पूरा आपको घर देख रहे हैं पूरा इसको बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं ये हैंडमेड है पूरा जितना भी बना हुआ है सारा हाथों से बनाया हुआ है इसमें किसी भी मशीन का या किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया है तो ये सब जितना भी है हाथों से बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता है यार देखने के लिए देखो कितना अच्छा दिख रहा है वो मैंने आपको दिखाया वो सब बॉयज़ का था और जो लेडीज़ हैं वो क्या पहनती है तो हाय व्हाट योर नाइस नेम माय नेम इज मियोंग मिलियोंगली मिल योंग ल ओके थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में ओके तो विल यू एक्सप्लेन मी ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज लाइक इयररिंग्स दिस इयररिंग इज नित्य लित्या तो इसको लित्या करके बोलते हैं टिल्ला टिल्ला इसको टिल्ला बोला जाता है जो नेकलेस है ओके एंड दिस इज पच्ची पच्ची यस पच्ची पच्ची ओके दिस इज दिस स्कर्ट इज मोहंगनी तो इसको मोहंगनी एंड दिस वन दिस इज चगा शर्रा ऐसे कुछ है तो आप प्रनाउंस कर लेना ओके तो बहुत अच्छा लगा तो फुटवियर ऑल्सो यू हैव फुटवियर ओके तो ऐसा कुछ है इनका लेडीज का गाँव तो आपको जितनी भी ट्राइब्स हैं ये सारी की सारी अभी इसके बाद प्ले ग्राउंड में मिलेगी यार इतनी ही मिलेंगे लेडीज और जेंट्स ये गाँव रहता है जो आप देख रहे हो ट्राइब का अपना लोकल कल्चरल डांस है और ये है इनका सारी की सारी एक ग्राउंड में जाएंगी तो जनाब ये जो आप देख रहे हो बेसिकली है कचारी ट्राइब ठीक है तो अंदर से
जितने भी आप घर देखोगे ये पूरे के पूरे घर हैं, जितने भी आप घर देखोगे सबका अपना अपना तरीके से, जैसे जो बकेट होती है वो उसको अलग अलग प्रोनाउंस करने का जो वर्डिंग है वो अलग अलग है यार। जैसे इन्होंने स्पेशल यहाँ पे नाम ही लिख दिए, लेंगरा हुकें ऐसे करके नाम सारा का लिखा हुआ है। तो इनका जो ट्रेडिशनल गाउन रहता है वो बाहर इन्होंने पहन रखा है। Hi, what is your name? My name is Devabudin Mech. And your name is? My name is Pomila Mech. Okay, will you explain me your dress up? What you call, start from head. Start from head. So please come inside. Yeah, come. Please. तो ये अंदर जाके मुझे एक्सप्लेन करेंगे अब सब कुछ कि क्या होता है। या प्लीज सर, इट्स द सेम थिंग सर, वी कॉल इट अरनाई। ओके सेम थिंग अरनाई, दिस इज गमसा। गमसा, ओके, यू आल्सो कॉल गमसा। यस, इट्स सिंपल सिंपल ट्रेडिशनल। ओके, विल यू एक्सप्लेन मी योर वन? दिस इज कॉल्ड फसरा। फसरा, ओके। दिस इज दखना। ओके, व्हाट इज योर ट्राइब नेम, इज फुल नेम? We are Kachari. There are two sub-tribes in Dimapur. And okay. One is Dimasa Kachari and one is Mech Kachari. Okay. So we are Mech Kachari. Fishing purpose. तो ये जितनी भी है सारी फिशिंग करने के लिए, मतलब क्या कहते हैं उसको, नेट जो होता है, जाल होता है बेसिकली, वैसा ही है जो सारा मछली पकड़ने के लिए, सब मछली पकड़ने के लिए ट्रेडिशनली। ओके, तो वन बाई वन नेम। सोंगराय, संदंगा, संदारी, शेन, सेम दिस वन बट थोड़ी शेप अलग है, वो सेम है। गोगरा, खोखा, जखाई, खोबाई, गोंसी, ओके, ये सेम वन हो गया। ओके, तो ये जितना भी है ये वो फिशिंग के लिए था, जो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए था। नेम नांगोल, दिलांगो, जंगाल, ओके, जेंगरा, ओह इसको कैप बोलते हैं, मतलब हैट। ओके ओके, वेन फार्मिंग, जब खेती बाड़ी करते जैसे धूप जा, मतलब उससे बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए ये ऊपर पहन लेते हैं। ओके नाइस, तो ये एक अगली ट्राइब है यार। जितनी भी होगी अभी, जितने भी आपने अपने इनके घर हैं तो अपने अपने घर में जाते हैं, उसके बाद फिर ग्राउंड में जाएंगे। जैसे जी अपने घर में पहुंच चुके हैं, तो ये अपने घर में पहुंच चुके हैं अभी। ये इस ट्राइब का नाम ये रहा। बहुत बढ़िया, ठीक है, जमा चढ़ती कला, चंगा लग्या मिलके, किवें चल रहा सारा, चलते फिरते संगत मिल जाती है, सीधा डायरेक्ट ट्रेन फड़ के। तो इस साइड से जो लेडीज़ का जितना भी गाउन रहता है, जितना भी वो रहता है, बीरिंग्स रहते हैं, वो सारा कुछ है यहाँ पे। ईयरिंग्स देखो कितने खूबसूरत है यार सारे, तो उन्होंने पूरा पहन रखा। तो ये है सूमी की ट्राइब, तो ये अपना अभी कल्चरल डांस करेंगे, इस साइड लेडीज है, इस साइड जेंट्स है। और ये देखो तो अब भाई बता रहे हैं इस ट्राइब के बारे में, आरजू ट्राइब। तो प्लीज क्या स्पेलिंग है, गूगल करते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता है भाई, मैं यही रहता है, कोई आईडिया नहीं। अब देखो वहाँ पे सब कुछ लिखा है, आरजू ट्राइब, आप पढ़ सकते हो। तो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा फेस्टिवल पे आने का। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। सुना है कि अभी थोड़े से ट्राइब्स नहीं आए हैं, तो उसका थोड़ा दुख है कि होते तो और मज़ा आता था। अभी 6 ट्राइब थे वो नहीं आए थे, तो उसके बाद अभी क्या है कि अभी 5 ट्राइब रह गए, एक ट्राइब आ चुकी है, वो नीचे वाली, ये पीछे वाले ट्राइब है, वो अभी आई है जस्ट। टोटल अभी यहाँ कितने ट्राइब हैं? 16 ट्राइब है टोटल। नहीं, अभी
अभी जब 11 है, चलो 11 ट्राइब पांच नहीं आए अभी, तो ये होगी आरजू ट्राइब। तो इसका देखते हैं अभी ड्रेसअप क्या है। तो ये अंदर से इनका पूरा ड्रेसअप, और ये जो रहते हैं, हाय हाय, कैसा है आप? ठीक ठाक है। आपका नाम क्या है? यमनाव। यमनाव, तो इसको क्या बोलते हैं ये जो आपने? इसको शॉल है, नका शॉल। नका शॉल, हाँ नका शॉल, वही शॉल। और जो आपने गले में पहन रखा है ये तो है चंगुल कावरी का दांत है। ये अच्छा दांत है, दांत है किस चीज के? ये चंगुल का कावरी, जंगल में कावरी होता है ना, उसका दांत है। ओके ओके ठीक है। और इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है नेकलेस। नेकलेस ठीक है। और आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा में क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं अलेक। अलेक, हां थापा वो अलेक बोलता है। और इसको ये है मुयासमा। मुयासमा, ये देखो हैंडमेड है, ये सारे हाथों से बनाया है, अपना बनाया है। अच्छा आपने खुद बनाया। और इसको भाले को क्या बोलते हैं? स्पीयर। स्पीयर ठीक है जी। हाँ वो हंटिंग करने के लिए, हंटिंग के लिए शिकारी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इसी ट्राइब के आंसू ट्राइब। तो जब एनिमीज वगैरह इनके आते हैं तो मुझे एक ड्रम रहता है, इसको बजाते हैं। तो अभी जो स्टार्ट करेंगे तो अभी हम आए हैं अंगामी की ट्राइब के पास। तो ये वाला जितनी भी है देखो, जो सबसे मतलब बड़ा हाउस है इनका, ये देखो जो इतने भी है वो आपको ऊपर दिख रहे हैं, वो उनकी आंखों में गाड़ रखा है यहाँ पे। तो अंदर से देखने में कुछ ऐसी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा, तो सब कुछ यहाँ पे पड़ा है इनका। तो ये है ट्राइब कुकी की। तो जनाब थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए गए थे, तो अभी देखो जस्ट पिछले 2-3 घंटों में ही अभी जब के हॉर्नबिल फेस्टिवल की ओपनिंग होने वाली है, तो ये देखो पूरा ग्राउंड अभी पूरा क्राउड भर चुका है, पूरा यहाँ पे बिल्कुल खाली था। अभी थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं होगी। तो अभी इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो है वो ओपन स्टार्ट होने वाली है, ओपनिंग सेरेमनी। तो जितने भी खड़े सब सीएम के लिए वेट कर रहे हैं, ऊपर से नागा हेरिटेज विलेज, तो मेरे स्वागत के लिए कितने खड़े हैं। तो जनाब अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 की ओपनिंग सेरेमनी चल रही है, तो सब लोग खुद यहाँ पे खड़े हैं। मतलब इस बार कुछ अलग लेवल का मज़ा आ रहा है यार। लास्ट टाइम क्या था कि लास्ट टाइम बहुत कम लोग आए थे, इस बार तो पूरा खचाखच भरा हुआ है, पूरा माहौल बना हुआ है, पूरा चिल माहौल चल रहा है यहाँ पे। बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं, जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी ओपनिंग सेरेमनी के लिए सब लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े हो चुके हैं, देखो तिरंगा।
seated. Jehovah Mazawi Utukwe Hikoe Kaza Nagamitzeda Wokuhuku Mukuba Rajuba Hikoe Nano Jehovah. तो अभी जो जट्टन ट्राइब के जो नेता हैं, जो सीनियर पुरुष हैं उनके, तो वो अपने कल्चर के बारे में स्पीच दे रहे हैं, बता रहे हैं. तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही, अगर नागालैंड हो तो प्लीज बताओ कि ये क्या कह रहे हैं. प्रिजर्वेशन एंड प्रमोटिंग द कल्चरल एंड रिच हेरिटेज ऑफ द पीपल while creating opportunity for economic growth and employment generation. लो जी, तो जनाब चलते चलते कार मिल गई. देखो तो ब्लॉग. हेलो, लोकल स्टार. लोकल स्टार ऑफ नागालैंड. एक साल के बाद आपने वन ईयर. यस, पिछले साल आए थे तो ऐसे मिले थे, अब फिर दोबारा आए, दोबारा मिले. थैंक यू सो मच. इट वाज सो नाइस मीटिंग यू अगेन. थैंक यू सो मच. With बहुत अच्छे पीपल है यहाँ के.